हेडिंग का नाम है आज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, लास्ट कॉन्सेप्ट की, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. इसमें लिखो गारंटी मींस एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर. गारंटी मींस एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन. मिनिमम प्रॉफिट शेयर को ब्लॉक कर लेना. गारंटी मींस एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन, फुल स्टॉप. सेकंड पॉइंट, गारंटी इज ऑफ थ्री टाइप्स. गारंटी इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की गारंटी है. नंबर वन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म. नंबर टू, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म के बाद ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स, दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, टू पार्टनर. और थर्ड, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर. गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर. उसके बाद थर्ड पॉइंट, इफ इन अ क्वेश्चन टू और मोर गारंटीज आर गिवन, इफ इन अ क्वेश्चन टू और मोर गारंटीज आर गिवन, देन द प्रेफरेंस ऑफ गारंटीज then the preference of guarantees should be in the above mentioned order only, should be in the above mentioned order only. ठीक है, अभी आप लिखो, मैं बताता हूँ सारी कहानी. If in a question two or more guarantees are given, then the preference of guarantees should be in the above mentioned order only. ठीक है, लिख लिया. चलो, तो क्या होता है बच्चों, पूरी कहानी बेसिकली क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं. एक ये पार्टनर है रामू, एक ये पार्टनर है शामू, एक ये पार्टनर है राजू, एक ये पार्टनर है गोपाल. चार पार्टनर मान लेते हैं. अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक का क्या मतलब है, ये वैसे आम जीवन में भी आप करते रहते हो, देखते रहते हो. तीन तरह की गारंटीज जो आपको लिखवाई वो क्या होती है कभी कभी. अब कभी कभी क्या होता है, ये पार्टनर जो है वो फर्म को कहता है, मतलब ध्यान से सुनना, पार्टनर फर्म को कह रहा है फर्म तुम कितनी इनकम कमा लेती हो साल भर मेहनत करके,
फर्म कह रही है हम तो 10 लाख रुपए कमा लेते हैं साल भर मेहनत करके, क्यों क्या हुआ? तो रामू कह रहा है फर्म को, रामू कहता है, पार्टनर कहता है फर्म को कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इस साल मैं इतनी मेहनत करूंगा फर्म में कि इस बार फर्म की इनकम मिनिमम 12 लाख होगी। तो फर्म कहती है रामू को, अच्छा तुम इतने श्योर हो? रामू कहता है हाँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, साइन करके दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे, ये लो मेरी गारंटी। तो कभी कभी पार्टनर जो होता है वो फर्म को गारंटी देता है, कहता है मैं इतनी मेहनत करूंगा पर इस बार फर्म को कम से कम मिनिमम इतने रुपए का तो मैं प्रॉफिट करवा के रखूंगा। तो ये होती है गारंटी टाइप नंबर वन। देखो क्या है गारंटी टाइप नंबर वन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर किसको प्रॉमिस करता है? फर्म को प्रॉमिस करता है कि भाई देखो मैं इस बार इतनी मेहनत करने वाला हूं कि फर्म इस बार तुम्हें मिनिमम कम से कम 12 लाख का प्रॉफिट तो होगा। तो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी। सेकंड, कभी कभी ये राजू जो है मान लेते हैं कमजोर पार्टनर है, ढंग से काम नहीं करता या जो भी कह लो कोई भी रीजन है, और बाकी तीनों को पता है इस बारे में, तो वो राजू को कहते हैं देखो राजू तुम चिंता मत करो, हमें पता है तुम्हारे घर की माली हालत अभी ठीक नहीं है और पिछले साल जो प्रॉफिट्स हुए थे वो तुम्हारा शेयर बड़ा कम था, हम जानते हैं इतने रुपए में घर चलाना बड़ा मुश्किल है। ये तीनों इससे बातें कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, ये तीनों इसको कह रहे हैं राजू को, राजू तुम चिंता मत करना, हम तीनों लिख के तुम्हें इस बार कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर कम से कम इस बार 50,000 होगा। हम तीनों मिलके ये बात तुम्हें लिख कर दे रहे हैं साइन करके, ये लो। तो राजू को ये तीनों जने साइन करके मिलके ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई राजू तुम्हें इस बार कम से कम हम 50,000 रुपए का प्रॉफिट तुम्हें देंगे, तुम चिंता मत करना, ठीक है? तो जब तीन बचे हुए पार्टनर्स किसी एक को गारंटी दें तो वो होता है टाइप टू। उसका मतलब है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म। फर्म का मतलब ब्रैकेट में लिखा है ऑल अदर पार्टनर्स। तो तीनों जने मिलके किसको गारंटी देते हैं? किसी एक व्यक्ति को गारंटी देते हैं। तो इसको बोलते ऐसे हैं कि गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। मतलब डायग्राम में इन तीनों ने मिलकर किसको गारंटी दी? राजू को, कि राजू तुम्हें कम से कम 50,000 रुपए का मुनाफा तो होगा। तो दिस इज नोन एज टाइप टू गारंटी, कि गारंटी फर्म ने दी, किसको दी? राजू को दी। तो फर्म का मतलब ये झोपड़ी नहीं है यहाँ पे, फर्म का मतलब होता है ये बचे हुए पार्टनर्स। अच्छा, इसमें बहुत कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है गोपाल, श्यामू और राजू ये तीनों मिलके रामू को गारंटी दे, हाँ वो भी फर्म टू पार्टनर ही माना जाएगा। या ये भी हो सकता है रामू, गोपाल और राजू मिलके श्यामू को गारंटी दे, तो वो भी फर्म टू पार्टनर ही माना जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो जब बचे हुए पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं तो उसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। तो वो फिर फर्म टू पार्टनर नहीं कहा जाएगा, वो पार्टनर टू पार्टनर में आ जाएगा। हाँ, वो अभी थर्ड केस बना रहा हूं। तो पहले ये दोनों कहानियां क्लियर हो गई। अब तीसरी कहानी जो होती है, तीसरी में क्या होता है, गोपाल और श्यामू आपस में बातें कर रहे हैं। गोपाल और श्यामू कह रहे हैं श्यामू तुम्हारा कितना प्रॉफिट होता है? श्यामू कह रहा है भाई पिछली बार तो मुझे 30,000 मिला था प्रॉफिट, मेरा शेयर 30,000 था। तो गोपाल कहता है श्यामू को, चलो तुम चिंता मत करो श्यामू, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें लिख के देता हूं इस बार तुम्हें कम से कम मिनिमम 40,000 का मुनाफा अवश्य होगा, ये मेरी गारंटी है, मैं वचन देता हूं, अगर कुछ भी कम पड़ेगा तो मैं अपनी जेब से तुम्हें दूंगा ये पैसे। तो इसमें ना तो फर्म जो है वो श्यामू को गारंटी दे रही है, कौन गारंटी दे रहा है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तो ये होती है तीसरे प्रकार की गारंटी, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, ठीक है ना? तो तीन तरह की गारंटियां हो सकती है, तीन तरह के प्रॉमिस हो सकते हैं। नंबर वन, पार्टनर ने प्रॉमिस करा फर्म को, ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, फर्म ने प्रॉमिस करा पार्टनर को, नंबर टू। और नंबर थ्री, पार्टनर ने प्रॉमिस करा किसी इंडिविजुअल दूसरे पार्टनर को। तो तीन तरह की गारंटियां हो सकती हैं। अब आपके बच्चों के लिए सवाल में, क्योंकि भाई मुश्किल तो करना ही है, 12वीं कक्षा का बच्चा है, तो एक ही सवाल में कभी कभी
ये भी डाल दी कहानी, ये भी डाल दी कहानी, या और मुश्किल करना है तो ये भी है, ये भी है, वो भी है, मतलब तीनों तरह की गारंटी भी डाल सकते हैं एक ही सवाल में। तो बच्चा पजल हो जाता है कि अरे मैं पहले कौन सा प्रॉमिस पूरा करूंगा। तो बस उसके लिए ये पॉइंट पढ़ना है। तो अगर दो या दो से ज्यादा गारंटीज होंगी सवाल में, तो आपको सबसे पहला आपका फर्ज है आप गारंटी नंबर वन को पूरा करेंगे, देन उसके बाद गारंटी नंबर टू को पूरा करेंगे, देन उसके बाद गारंटी नंबर थ्री को पूरा करेंगे। तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो उसी में फॉलो करना है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा समझ लो आपने तीन लोगों से प्रॉमिस कर रखा है सवाल में, तीन प्रॉमिसेस होंगे पूरे क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले कौन सा प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, ये वाला, हाँ, पार्टनर टू फर्म वाला, नंबर टू फर्म टू पार्टनर वाला, और नंबर थ्री पार्टनर टू पार्टनर वाला, ठीक है। बस तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है इसमें। पेज नंबर है 2.94, क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे पहले हम, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 7,500। मतलब ये लिखा हुआ है कि सी का प्रॉफिट किसी भी वर्ष 7,500 रुपए से कम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹31,500। जो फर्म के प्रॉफिट हुए वो हुए 31,500 के। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन अमंग पार्टनर्स। कह रहे हैं आप अप्रोप्रिएशन दिखाओ पार्टनर्स के बीच। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कह रहे हैं हमको नहीं बनाना, ठीक है। तो कहानी समझा दें मैंने आपको एक बार, बहुत ही सिंपल कहानी है इसमें। तो तीन पार्टनर्स थे ए बी और सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:2:1। बस सवाल में ये लिखा है कि सी जो है वो कोई ऐसा पार्टनर है जिसको ये कह रखा है कि सी तुम्हें 7,500 रुपए की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है। तो मतलब सी महोदय का प्रॉफिट कम से कम 7,500 रुपए होना चाहिए, ठीक है, ये गारंटी दी जा रही है। तो वो कह रहा है बताओ प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा। और ये फॉर्म है, फॉर्म का प्रॉफिट जो हुआ साल के एंड में वो भी दे रखा है। फॉर्म को 31,500 रुपए का मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहले जब मैं फॉर्म के प्रॉफिट्स को 31,500 को एबीसी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा 4:2:1 में बांटता हूं पहले, और ये देखता हूं 18,900, तो ये आ रहा है 18,000, ये आ रहा है 9,000, और ये आ रहा है 4,500, ठीक है। तो फर्म के जब प्रॉफिट का बंटवारा हुआ तो ए को मिल गए 18,000 रुपए, बी को मिल गए 9,000 रुपए, सी को मिल गए 4,500 रुपए, ठीक है। अब सी जो है वो आफत मचा रहा है। सी कह रहा है भाई मुझे तो सिर्फ 4,500 रुपए मिले हैं, और जबकि उसको हमने प्रॉमिस करा था कि सी तुम्हें कितने कम से कम कितने रुपए मिलेंगे, 7,500। मतलब ध्यान से सुनना, हमने सी को गारंटी कर रखी है कि सी तुम्हें कम से कम कितने रुपए प्रॉफिट मिलेंगे, 7,500। लेकिन सी को अभी तक बेचारे को मिले कितने हैं, सिर्फ 4,500। तो एक्चुअल में सी जो होता है वो ये कहता है इसका मतलब कि भाई मेरे पास अभी 3,000 रुपए कम है। सी रो रहा है, सी की आंखों में आंसू है। सी कह रहा है मेरे पास 3,000 रुपए अभी कम है, वो दुखी है। अब सी को जो गारंटी दी गई है वो ए ने दी है या बी ने दी है या दोनों ने दी है, ऐसा वैसे सवाल में कहीं लिखा नहीं है, ऐसे सवाल में कहीं लिखा नहीं है।
कि ए ने दी है गारंटी या बी ने दी है गारंटी या दोनों ने दी है. सवाल इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट. तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है इस बारे में कि कौन गारंटी दे रहा है, तो राइट, तो हम ये मान लेते हैं इसका मतलब कि ए और बी ही ये गारंटी दे रहे होंगे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी ना. ए कहेगा बी से भाई तू दे 3000, बी कहेगा ए से नहीं तू दे 3000, तो लड़ाई हो जाएगी. तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि ए और बी ने ही दोनों ने गारंटी दी है. हाँ, अब वो मैं बताता हूँ. अब ए और बी जो होते हैं वो आपस में 3000 रुपए देंगे सी को, लेकिन किस रेशियो में देंगे वो हमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेना होता है. यानी ए और बी का आपस में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 4:2. तो पहले मुझे पूरा लिखने देना, फिर आप कुछ करना. तो सी को बच्चों देखो 3000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो सी में 3000 रुपए प्लस हो गए, लेकिन वो ए से भी लिए जाएंगे, बी से भी लिए जाएंगे, और किस रेशियो में लिए जाएंगे, 4:2 में लिए जाएंगे. तो ए की जेब से 2000 रुपए कम हो जाएंगे, बी की जेब से 1000 रुपए कम हो जाएगा, और सी को मिल गए 3000. तो नट शेल में जब आंसर निकलेगा बाद में, हाँ, तो ए के पास बचेंगे 16, बी के पास बचेंगे 8, और सी अब खुश हो गया, कह रहा मेरे 7.5 अब पूरे हो गए. तो फिर इस तरह से प्रॉफिट का बंटवारा कर लेते हैं वो लोग. ठीक है, समझ आ गया ना क्या मतलब होते गारंटी का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इस पर आप स्टार लगा लेंगे. X, Y and Z entered into partnership on 1 October 2018 to share profits in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर एक्स 3 लाख, वाई 2 लाख एंड जेड 1.5 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,60,000. प्रिपेयर PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, पहले आपको कहानी समझा देते हैं. तो इसमें क्या है कहानी में कि 1 अक्टूबर 2018 को तीन दोस्तों ने मुलाकात करी अपनी, एक्स, वाई और जेड ने, और इन्होंने कहा चलो भाई अपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं. तो ऐसा लिखा है, एक्स वाई जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2018 टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बना लिया इन्होंने. एक्स पर्सनली गारंटेड, अब ध्यान देना क्या बोल रहा है, कि एक्स ने बोला, एक्स ने बोला, बातें कर रहे हैं दोनों जेड को, कि मैं तुम्हें पर्सनली गारंटी कर रहा हूं जेड, घबराना मत तुम. क्या, कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. एक्स जेड को बातें करते करते कह रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद, हाँ, तुम्हारा प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर. तुम्हारा जो प्रॉफिट है, एक्स कह रहा है, बातें कर रहा है कि गारंटेड प्रॉफिट तुम्हारा 80,000 रहेगा एक साल का, इन अ ईयर पर एनम. तो एक्स जो है वो जेड को एक कहानी सुना रहा है कि आईओसी देने के बाद तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट 80,000 रहेगा जेड साल का. जेड कह रहा है ठीक है. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एक्स वाई जेड वो तो दे ही रखे, तीनों ने कितनी कितनी पूंजी डाली. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो जब ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2019, तब लिखा है कि प्रॉफिट्स हुए हैं फर्म को 1,60,000 के. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ आ गए. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्यों स्टार है, एक दो बातें मुझे सिखानी है. पहले तो ये एक्स के प्रॉमिस पर ध्यान देना है आपको. एक्स ने जो जेड को प्रॉमिस करा है वो प्रॉमिस ये है कि तुम्हें 80,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा एक साल का, लिखा है ध्यान से पढ़ लेना 80,000 के बाद. सब बच्चे
इन अ ईयर एक साल का तुम्हें कितना प्रॉफिट दिया जाएगा 80,000, ये लिखा था, ये प्रॉमिस करा था एक्स ने। लेकिन जो बिजनेस इन्होंने ओपन करा, जो इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी, वो 1 अक्टूबर से ही शुरू करी है। तो जब काम ही उन्होंने 1 अक्टूबर से शुरू करा है तो इसका मतलब काम ही सिर्फ 6 महीने हुआ है बिजनेस में तो, और मैं उसको प्रॉमिस करके बैठा हुआ हूं कि भाई जेड तुम्हें देखो 80,000 मुनाफा मिलेगा एक साल में, तो भाई साहब काम ही जब एक साल नहीं हुआ तो प्रॉमिस एक साल के मुनाफे का किस बात का। तो क्योंकि मुनाफा काम सिर्फ 6 महीने हुआ है तो इसीलिए ये जो प्रॉमिस है ये भी 40,000 माना जाएगा सवाल के लिए। तो आर गारंटेड प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन वुड बी 40,000, क्योंकि बिजनेस में काम ही कितने महीने हुए, 6 महीने हुए। तो एक तो पॉइंट ये था पहले क्वेश्चन में, अब करके देख लेंगे कि क्या है आगे। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है। अब इसमें उसने बोला है कि प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें हमें अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो अब आप सब मेरे साथ साथ ज्वाइन कर लीजिए, ढांचा बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले तो लिख लेते हैं बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट जो दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 1,60,000। उसके बाद हमको, हाँ लिखा था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के मुझे भी बताओ बच्चों, 15, 10 और 7.5 मेरा तो 30,000, 20,000 और 15 आ रहा है। अच्छा इतनी बात आप ध्यान रखी आपने, चलो तो ये आपने जो बताई ये वेरी गुड, 6 मंथ्स के हिसाब से ही बताया इसीलिए ये फिगर आएंगे। ठीक है तो कितना हो गया जोड़ के, 32,500। तो ये तो हो गया आईओसी, अब बचा बैलेंस टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 1,60,000 में से 32,500 माइनस करो, कितना आएगा, 1,27,500। तो ये बच गएगा प्रॉफिट, ठीक है, 1,27,500। पहले यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ, अब वो वर्किंग में करेंगे, वो रफ में करेंगे। पहले बच्चों ऊपर तक सबको क्लियर हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब उनका रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:3:3। तो इसको पहले 4:3:3 में भाग दे देते हैं, 4:3:3। तो बताइए जी सर, ये तो आप बताओ, तो ये मेरा तो आ रहा है, एक्स का आ रहा है 51,000, राइट, और इन दोनों के आ रहे हैं 38,250। ठीक, 38,250, ठीक है, 4:3:3 में भागने के बाद x को मिल रहे हैं 51,000, y को मिल रहे हैं 38,250 और z को मिल रहे हैं 38,250। अब z की आंखों में आंसू हैं और वो x को देख रहा है उम्मीद भरी में, हाँ
वो एक्स को देख रहा है उम्मीद भरी निगाहों से, कह रहा है एक्स तुमने वचन दिया था कि 40,000 मिलेगा मुझे, तुमने वचन दिया था। तो एक्स कह रहा है जेड को ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अब रो मत परेशान मत हो। तो कितना जोड़ दें? 1750, वेरी गुड। तो एक्स कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जेब से 1750 निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। तो जेड के तो अपने हो गए 40 पूरे कंप्लीट, और एक्स के 49,250। हाँ, तो एक्स का ये हो जाएगा आंसर। वाई की तो सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और जेड का तो 40 हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे हम मेन आंसर में, एक्स का 49,250, वाई का 38,250 और जेड का 40। 81 करेंगे। में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी एट लीस्ट 5,000। डेफिशिएंसी, अब ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे, डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। बताओ इस लाइन का मतलब क्या? हाँ, इस बार सी में जो भी पैसे कम पड़ेंगे वो ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे, राइट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 40,000, फॉर्म का प्रॉफिट 40,000 का हुआ है। इस बार लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कह रहा है फर्म की बुक्स की मैं जर्नल एंट्री करो। तो एक और दो एंट्रीज की जगह छोड़ देते हैं, उसके नीचे करते हैं वर्किंग नोट। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। अब कितना प्रॉफिट हुआ है फर्म को? 40,000। और ए बी सी का रेशियो क्या है? 5:4:1। तो इसको 5:4:1 में कितना कितना, ठीक है, 20,000, 16,000, 4,000, ठीक है। सी की आंखों में आंसू। हाँ, कितने रुपए चाहिए थे इसको? 5,000, लेकिन अभी इसको मिल रहे हैं सिर्फ 4,000। तो दोनों ए और बी, वेरी गुड, 500 और 500 रुपए अपनी अपनी जेब से निकाल के सी को दे देंगे। तो ए का हो गया 19,500, बी का हो गया 15,500 और सी का हो गया 5,000। तो ये तो हो गया आंसर फाइनल, सिंपल। अब जर्नल एंट्री बोलिए क्वेश्चन ने तो, कि भाई जर्नल एंट्री करो। चलो वो सिखा देता हूँ आपको बच्चों। एक जर्नल एंट्री तो इसकी होती है जो हमने पहले प्रॉफिट बांटे, पहले हमने जो 20-16-4 प्रॉफिट बांटे, फर्स्ट एंट्री तो उसकी लिखें सब बच्चे मेरे साथ। वेरी गुड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री तो है जो हमने तीनों के बीच में प्रॉफिट्स बांटे 20, 16 और 4, 20,000, 16,000 और 4,000। अब दूसरी एंट्री है सी के आंसू पहुंचने वाली। सी को 1,000 दिए हैं, लेकिन किन दोनों से लिए हैं? ए और बी। तो जिनसे लेते हैं वो डेबिट करते हैं उन्हें हम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए की जेब से भी 500 ले लिए, बी से भी 500 ले लिए,
और दिए किसको? सी को. वेरी गुड. तो उसको क्रेडिट करते हैं. तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000. तो ये हो गई जर्नल एंट्रीज. अब नेक्स्ट 86 पे आप स्टार लगाएंगे. ये बच्चे एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ते हैं. असगर चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन ए फर्म. देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017. दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट, अब ध्यान से अलर्ट, ₹7,000 पर मंथ एंड ₹10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, ये भी थोड़ी देर में सिखाऊंगा, चिंता मत करना, इज गारंटेड एट ए मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम. तो फिलहाल के लिए बस इस लाइन से ये मतलब मान लो अभी कि ढोलू को ये गारंटी दी गई है कि ढोलू जी आपको ₹1,10,000 का प्रॉफिट मिलेगा. हाँ, ये बातें भी हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के को हटाकर बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को मिलाकर, तो ये भी सीखेंगे. एनी डेफिशिएंसी, जो भी कमी रह जाएगी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय असगर. तो ढोलू के आंसू जब पहुंचेगा, वो कौन पहुंचेगा? असगर पहुंचेगा. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 4,24,000. प्रिपेयर PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो, तो हमको तो PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ढांचा. चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना है, देखते हैं कौन सा बच्चा करेगा सबसे तेज. हाँ, मतलब अब आइटम्स भी डालना शुरू करो. ठीक है, तो मैं भी कर रहा हूँ फटाफट. मैंने तो प्रॉफिट भी लिख लिया. चलो वेरी गुड. तो बाय PNL अकाउंट नेट प्रॉफिट 4,24,000. उसके बाद अब सबसे पहले तो लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ एक बार निकाल लेते हैं, ए का 48,000 और दूसरे का 40 और ढोलू का 32, 1,20,000. फिर लिखा था कि सैलरी भी देनी है किस 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 को. हाँ, सी को तो देनी थी 7,000 पर मंथ, 84,000, और डी को देनी थी 10,000 पर क्वार्टर, 1,24,000. तो 4,24,000 में से ये दोनों माइनस कर देते हैं, 2,80,000. क्या बैलेंस बच गया? 4,24,000 में से ये दोनों गए 1,80,000. तो ए सी और डी का रेशियो बताओ. 4:2:3. तो 1,80,000 को 4:2:3 में भाग देना है. 1,80,000 को नहीं नहीं 80,000 और उसका
40,000 और उसका 60,000 ढोलू का, ठीक है। यहाँ तक तो अभी नॉर्मल सवाल कर लिए, चलो तो आप यहाँ तक नोट करो, तब तक मैं देखता हूँ कहानी क्या है। ये है अजगर, ये है ढोलू, इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चन में लिखा है। अजगर ने ढोलू से ये कहा था कि भाई ढोलू तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन मतलब कहा है कि लेकिन उसमें हम तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, बट इंक्लूडिंग सैलरी, हाँ लेकिन तुम्हारी सैलरी लेंगे। तो मतलब अजगर जो है वो पता है ढोलू से क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ढोलू भाई साहब तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा और तुम्हारी जो सैलरी होगी, लेकिन हम अभी तुम्हारे इंटरेस्ट को नहीं जोड़ेंगे उसमें, तो वो कह रहा है तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा और तुम्हारी जो सैलरी होगी वो मैं गारंटी करता हूं कि 1,10,000 होगी, माई गारंटी। तो अब ढोलू कह रहा है चलो चलो मैं हिसाब लगाऊंगा, तो ढोलू का प्रॉफिट है 60,000, ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, प्लस ढोलू की सैलरी है 40,000। तो ढोलू ने जब हिसाब लगाया तो ढोलू कह रहा है कि भाई मुझे तो 1,00,000 रुपए मिले ऐसे तो, जबकि तुमने कहा था 1,10,000 मिलेंगे। तो अब असगर कह रहा है ठीक है ठीक है ठीक है ढोलू चिंता मत करो, ये लो 10,000 तुम ले लो और मैं अपने हिस्से में से 10,000 काट देता हूं। तो असगर कितने रुपए ढोलू को देगा, 10,000 रुपए देगा। समझ गए कैसे कैलकुलेट करा, ऐसे कैलकुलेट करा। तो फाइनल आंसर हो गए असगर का 70, सी का तो 40 है ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ढोलू का भी हो गया 70। तो ये हो गए तीनों के फाइनल आंसर, क्लियर। 92 से शुरू करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी स्टार लगा लेना, स्टार लगा लो। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पार्टनरशिप बनाई, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। ए सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम, ठीक है। बी गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म शेल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रिसीडिंग 5 ईयर्स व्हेन ही वॉज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन कॉमा विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट एट 25,000, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000, द ग्रॉस फी अर्नड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव। चलो तो पहले आप ध्यान से कहानी सुनना, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ए बी और सी, जिन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, 3:2:1 वाले पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब इनकी पार्टनरशिप फर्म में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट ए में तो लिखा हुआ है कि सी को कहा जा रहा है कि सी तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 15,000 रुपए सालाना होगा, ये सी को गारंटी दी जा रही है। तो ये सी को ये गारंटी किसने दी, दोनों ने, वेरी गुड, क्योंकि कुछ नहीं बोलता, साइलेंट होता है, तो ये मानते हैं कि दोनों ने सी को गारंटी दी। तो इसको हाँ ऐसे मान लिया जाता है कि बेसिकली फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, हाँ, टाइप 2, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट की कहानी सुन लेना ध्यान से। बी जो था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बच्चों तीनों, बी जो था वो पिछले 5 साल से अपने आप काम करता था अपना अलोन। तो बी ने बोला कि मैं पिछले 5 साल में जितनी फी कमाता था मैं उसका एवरेज बता रहा हूं,
वो एवरेज है 25,000 रुपए एक साल की। तो बी ने प्रॉमिस कर दिया फॉर्म को जोश जोश में, बी ने किसको प्रॉमिस करा है फॉर्म को, कहा कि देखो जब मैं अपने आप काम करता था तो मैं 25,000 रुपए ग्रॉसरी कमा लेता था अकेले अपने दम पे। तो बी अब फॉर्म को कह रहा है कि मैं 25,000 रुपए की ग्रॉस फी कम से कम कमा के लाऊंगा। तो इस बार पार्टनर ने फॉर्म को गारंटी दी है, समझ आ रहा है पॉइंट? बी ने फॉर्म को गारंटी दी है। तो ये है टाइप वन। हाँ, फी मतलब प्रॉफिट या इनकम, वही। तो बी कह रहा है कि मैं 25,000 रुपए की फी कमा के लाऊंगा, मतलब प्रॉफिट कमा के लाऊंगा। ओके, तो इसमें दो गारंटीज आ गई, दो प्रोमिसेस, ठीक है। फिर अंत में क्या लिखा है, बाद में लिखा है कि बेचारा बी सिर्फ 16,000 रुपए ही कमा पाया ग्रॉस फी, ऐसा लिखा है। पढ़ लिया पॉइंट वो? Yes, और लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के जो प्रॉफिट्स हुए एक साल के अंत में वो हुए 75,000। तो पहले कहानी क्लियर होगी? चलो तो बस हमें तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, तो ये आप मेरे साथ साथ बना लो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाओ ढांचा। तो सबसे पहले तो इसमें आप प्रॉफिट लिखो जो दे रखे हैं हमें बाय पीएनएल अकाउंट 75,000, ठीक है ना? ये हमको प्रॉफिट दे रखे हैं, पहले ये लिख लो आप। अब देखो इस क्वेश्चन में दो दो गारंटीज हैं, तो हमारा क्या फर्ज है, पहले कौन सी पूरी करवाएं? नहीं, पहले पार्टनर ने जो फॉर्म को दी है पहले उसको फुलफिल करते हैं, ये हमने उसी ऑर्डर में लिखा था। तो जब क्वेश्चन में दो दो गारंटीज हैं, एक तो फॉर्म ने सी को दी और एक बी ने फॉर्म को दी, तो हम दोनों में से पहले कौन सी पूरी करवाएंगे? जो बी ने फॉर्म को दी, ठीक है। अब ध्यान से, बहुत सिंपल कॉमन सेंस है, बी ने वचन दिया था मैं 25,000 कमाऊंगा फॉर्म को, लेकिन बी बेचारा सिर्फ 16 ही कमा पाया, तो फॉर्म बी से कितने रुपए और लेगी? 9,000 लेगी। फॉर्म जो है वो पार्टनर से पैसा लेगी, यही होगी बात। तो पार्टनर तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इससे पैसे लिए जा रहे हैं, और फॉर्म को पैसे मिल जाएंगे। तो फॉर्म को जब पैसे मिलते हैं तो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं ना बच्चों, हाँ। तो फॉर्म को जो 9,000 रुपए मिले हैं वो बी से मिले हैं, तो फॉर्म लिखेगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट। तो एक तो हो गया ये पॉइंट, ये समझ आया सबको? ये 9,000 फिगर सबको क्लियर हुई कैसे निकाली? बी ने वचन दिया था मैं 25,000 कमाऊंगा, लेकिन बी सिर्फ 16,000 ही कमा पाया, तो अब फॉर्म बी से कह रही है लाओ बी चुपचाप 9,000 रुपए और हमें दे दो, क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा। तो फॉर्म के लिए तो ये इनकम हो गई ना एक तरह से, तो ये तो आपको बता ही रखा है फॉर्म की इनकम जो होगी वो कौन सी साइड लिखनी है? क्रेडिट साइड लिखनी है। तो फॉर्म को 9,000 की इनकम हो गई, किससे हो गई? बी से हो गई, क्लियर। अब 84,000 को बांटते हैं ए बी सी के रेशियो में, अंदर की तरफ बांट लेंगे, ठीक है सर? अंदर की तरफ बांट लो आप। ए बी सी का रेशियो क्या है? 3:2:1 42,000, 28,000 और 14,000, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी गारंटी की, हाँ। अब हम बात करेंगे गारंटी नंबर टू की। सी की आंखों में आंसू हैं, सी रो रहा है कि मुझे दोनों ने कहा था मिलके कि 15,000 रुपए मैं कमाऊंगा कम से कम प्रॉफिट, लेकिन अभी सी को कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 14,000 मिल रहे हैं। सबको समझ आ रही है बात? तो सी जो है वो रो रहा है कि भाई 15,000 का प्रॉमिस करा था दोनों ने, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ 14 ही मिल रहे हैं। तो सी के आंसू कौन पोंछेगा? ए और बी, वेरी गुड। अब सी के आंसू जो पहुंचेंगे ए और बी, वो किस रेशियो में पहुंचेंगे?
increased to 2, very good. तो 600 रुपए ए से काट लिए जाएंगे और 400 रुपए बी से काट लिए जाएंगे और सी को मिल गए 1000. सिंपल. तो फाइनल आंसर आ गया जी 41400 ए का, 27600 बी का और सी को मिल गए 15. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन में बेसिकली दो गारंटीज थी तो इसलिए मैंने आपको साथ में करवा दिया. ठीक है, ये वाला क्लियर. चलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं. 88 नहीं, पहले वो इम्पोर्टेंट है, 88 वो करवाते हैं आपको. इस पे भी स्टार बना लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट. क्या कह रहे हैं, अंकुर भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म ऑन 1st April 2017. द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली. दे शेयर्ड द प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम. ये ध्यान रखना एक पॉइंट. एंड सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम, दूसरा पॉइंट. एंड कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा, ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखना. ठीक है, अब पढ़ो. भावनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000. तो भावना को एक गारंटी दी गई है कि तुम्हारा प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होगा, फुल स्टॉप. उसके बाद पढ़ो, दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम. दिशा को बोला गया है कि आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ने के बाद, परंतु कमीशन नहीं जोड़ने के बाद, कम से कम 1.5 लाख होगा. ठीक है, तो कई बच्चे इसमें यहां तक आते आते बेहोश हो गए थे एग्जाम में. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय अंकुर. तो दिशा को जो गारंटी दे रहा है वो कौन दे रहा है, अंकुर दे रहा है. ठीक है, तो सवाल में बेसिकली दो गारंटीज भी आ चुकी हैं. एक तो भावना को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, वो तो फॉर्म ने दी है क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन. और हाँ, और जो दिशा को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है वो अंकुर ने दी है. तो ये पार्टनर टू पार्टनर हो गया. द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म अमाउंटेड टू 9.5 लाख. फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो 9.5 लाख है बस. तो कह रहे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाइए, तो बनाइए जी ढांचा. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर था 88. चलो, तो आप मुझे बताते रहना, मैं लिखता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप जब तक कोई दिक्कत परेशानी जब तक नहीं आ रही. बाय पीएनएल कितना नेट प्रॉफिट, 9,50,000. उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर भावना और दिशा का 84, 36, 24 टोटल 1,44,000. उसके बाद था एक पॉइंट सैलरी भावना को कितनी, 50,000 पर एनम. ठीक है, और एक था कमीशन किसको, दिशा को. कमीशन 36,000. तो टू प्रॉफिट कितना बच गया बैलेंस. सर ये आप बताओ,
साढ़े नौ लाख में से अगर मैं ये तीनों माइनस कर दूं तो ये आ गया जी 7,20,000। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आ गया है प्रॉफिट। अब करेंगे बंटवारा वर्किंग में। हाँ, अब बस अब मेरे साथ साथ करना, अब आगे आगे मत भागना, पहले सब बच्चे यहाँ तक कर लो। अब हम, क्योंकि सवाल में दो दो गारंटीज आ गई ना, तो अब हम थोड़ा सा ध्यान से निकाल के देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। पहले यहाँ तक तो कोई डाउट दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो अब ए बी और डी का सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। 7:3:2। तो 7,20,000 को 7:3:2 में, सर ये तो आपकी बात होगी, ये हमसे आप उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं। 4,20,000, उसके बाद 1,80,000 और 1,20,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, जो प्रॉफिट है वो ए बी और डी के बीच में उनके रेशियो में बांट के देखा कि किसको अभी कितने रुपए मिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी ए को इतने, बी को इतने और डी को इतने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। बोलो पहले हाँ। अब सवाल में क्या थी गारंटी, जरा चर्चा कर लेते हैं। बी भावना को, भावना को ये बोला गया कि भावना जी आपका प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे भावना का, सिर्फ उसका प्रॉफिट लेंगे, इज नॉट लेस देन 1,70,000। मतलब भावना का प्रॉफिट कम से कम 1,70,000 रुपए होना चाहिए। अब भावना को अभी कितना प्रॉफिट मिल रहा है, अभी 1,80,000। तो भावना तो ऑलरेडी नाच रही कह रही आहा, कोई भाई भावना को कितने रुपए मिलने चाहिए थे मिनिमम, 1,70,000, और अभी उसको कितने मिल रहे हैं। तो भावना वाली जो गारंटी है वो इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ है ऑलरेडी फुलफिल्ड है, मतलब कोई टेंशन नहीं हमें। तो एक गारंटी तो सवाल में आई भी और अपने आप चली भी गई, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो भावना की गारंटी तो हो गई गायब। चलो, अब लिखा था उसके बाद दिशा के बारे में कि दिशा का प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब दिशा का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन नहीं लेना, इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,50,000। तो वो एक बार देख लेते हैं। दिशा का प्रॉफिट है बच्चों 1,20,000 और दिशा, दिशा दिशा का इंटरेस्ट है 24,000। इन दोनों को जोड़ो एक बार, 1,44,000 आ रहा है, क्लियर पॉइंट। तो दिशा के प्रॉफिट और दिशा के इंटरेस्ट को मिलाकर ए ने गारंटी दी थी कि 1,50,000 हो जाएगा, चिंता मत करना, यही बात थी, सबको क्लियर। लेकिन जबकि अभी दिशा का इंटरेस्ट और दिशा का प्रॉफिट मिलाकर सिर्फ 144,000 हो रहा है, तो ए अब दिशा को कितने रुपए देगा, 6,000। वेरी गुड। तो बस कितने रुपए की डेफिशिएंसी निकली, 6,000 की। तो हम वो ए से लेके डी में ऐड कर देंगे, तो ए का फाइनल आंसर बन गया 4,14,000 और डी का फाइनल आंसर बन गया 1,26,000। भावना का जो था 180,000 वो एज इट इज ही रहा, तो ये आंसर हम अंदर लिख लेंगे फाइनल, ए का 4,14,000, बी का 1,80,000 और डी का 1,26,000। बस